वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। आज मैं आपको बड़े टाइम बाद मिल रही हूँ और मम्मी जब से आई हैं तब से कोई भी ब्लॉग नहीं बन पाया। इसका रीज़न सबसे पहले यही था कि भाई भृगु की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी, इसके चलते मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला। पिछले 10 दिन हो जाएंगे, मान लीजिए 10 दिन से कोई ब्लॉग नहीं गया मेरा। पर आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना एक वीडियो बनाकर एटलीस्ट डाल ही दूँ, मतलब बना ही लूँ, क्योंकि क्या अगर ऐसे रोज़ रोज़ ही रह जाते हैं। और भृगु की थोड़ी बहुत तबीयत अभी ठीक है और आज आ गए थे वंशी और शैली, तो मैं दिखा देती हूँ उनको भी। पर अभी क्या है ना, हमारे कई दीदी हैं उनके यहाँ पर जाके आए थे, वहाँ पर बर्थडे था तो बच्चे चले गए थे, उसके बाद वो आ गए हैं अभी। तो हम सोच रहे हैं वो तैयार तो थे ही, तभी मैं भी तैयार हो गई क्योंकि मैं नहीं गई थी भृगु के चलते, क्योंकि भृगु फिर चिड़चिड़ करता है, तो फिर मैंने बच्चों को भेज दिया था। तो फिर अभी जैसे कि हम बच्चे रेडी थे तो फिर मैं भी रेडी हो गई हूँ और अब हम जाएंगे अक्षय पात्र। तो दिखा देती हूँ बच्चा पार्टी। हाय वंशु, कानू और शैली, ये तीनों आए हैं आज और हमारी मिस्टी रेडी होगी है। अब भृगु हाय कर दो इधर देख के। बड़े टाइम बाद हंस रहा है हमारा भृगु क्योंकि इतने दिनों से, और ये देखो ये कैप के ऊपर हंस रहा है, ये कानू की इस तरह से कैप लगाई है, तो वो काफ़ी टाइम बाद हंस रहा है बेचारा छोरा, बहुत परेशान था इतने दिनों से। ये हमारी प्यारी प्यारी मम्मी, मम्मी हाय कर दो। मम्मी आई लव यू को आई लल्लू बुलाती है। हो गया और ज्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं फिलहाल। तो हम लोग पहुंच गए हैं अक्षय पात्र और ये है अक्षय पात्र का सेकंड गेट। फर्स्ट गेट शायद बंद था इसलिए हम उस गेट से नहीं गए, पर ये है पूरा अक्षय पात्र, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाना चालू कर देती हूँ अक्षय पात्र कितना सुंदर लगता है अंदर से। तो यहाँ से स्टार्टिंग है मंदिर में एंट्री करते ही, मतलब फर्स्ट गेट बंद रख रखा था इस बार उन्होंने, तो सेकंड गेट से हम आए थे ना, तो उधर चप्पलें वगैरह खोलने के बाद अब हम बस मंदिर में जा ही रहे हैं। और यहाँ पर ये सुंदर सी जो होती है ना मूर्तियाँ बनी होती है, कलाकृति रहती है दीवारों पर, वो बहुत अच्छी हो रही थी। और भृगु आ रहा था धीरे धीरे, तो मैं आपको बता रही थी देखिए दीवारों पे कितनी सुंदर भगवान जी की सारी नीलाएं हैं बनी हुई हैं। और धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं और अक्षय पात्र की खास बात ये है कि इसको सभी जानते हैं अक्षय पात्र के बारे में, कि यहाँ से सारे मतलब होता ना आंगनबाड़ी वगैरह पर भी फूड वगैरह सप्लाई किया जाता है, खाना फ्री भी मिलता है अक्षय पात्र में। पर हम लोग खाने वगैरह के लिए तो रुके नहीं थे और बस मंदिर ही मंदिर देखा था, फिर उसके बाद हम गार्डन में भी जाएंगे। तो यहाँ से एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर विराजमान हैं कृष्ण और बलराम साथ में। और कृष्ण बलराम की ये जो अक्षय पात्र में जो प्रतिमाएं हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। बनी नहीं रहा, बन गया। अभी हम लोग दे रहे हैं परिक्रमा, ये देखिए कितना अच्छा मंदिर है। Thank you.
और देखिए आप कितना सुंदर मंदिर है, और पूरा मंदिर मैं आपको दिखा रही हूँ। और पूरी दीवारों पर ना अलग अलग जो भगवान ने नीलाएं करी थी ना उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, और यहाँ पर बैठकर ही भजन वगैरह भी होते हैं। पीछे के साइड में जो माइक वगैरह रखे हैं, तबला पेटी ढोलक भी रखी हुई है, पर अभी वह फिलहाल भजन नहीं हो रहे थे, सिर्फ धुन चल रही थी हरे रामा हरे कृष्णा की। और जब भी अक्षय पात्र आते हैं तो यहाँ पर जो स्पेशल प्रसाद मिलता है खिचड़ी का, तो ये तो लेना बनता ही है। तो यहाँ पर चरणामृत वगैरह भी दे रहे थे और प्रसाद भी दे रहे थे, पर यहाँ पर क्या है ना अभी जगह चेंज कर दी है इन लोगों ने। पहले मंदिर के अंदर ही सब दिया जाता था, पर अब ये बाहर की साइड लगा लिया है इन्होंने काउंटर। और खिचड़ी की पहले जो स्पेशल बात थी वो मीठी खिचड़ी होती थी, और अभी जो थी इस बार जो खिचड़ी मिली थी वो मीठी बिल्कुल भी नहीं थी, पर उसमें बहुत सारे टमाटर गोभी आलू मतलब होता ना मिक्स सब्जियां सारी डाल के जो खिचड़ी बनाते ना वैसी खिचड़ी थी, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और हमारे भृगु को थोड़ी थोड़ी अच्छी लग रही थी, तो थोड़ा सा बच्चे तो टाइम लगाते ही हैं खाने में, तो वो थोड़ा सा खुद के हाथ से ही खा रहा था धीरे धीरे, और मम्मी वगैरह ने भी हाथ वाथ धो लिया था। बस अब हम जाएंगे थोड़ा सा गार्डन वगैरह जो है वहाँ पर झूले वगैरह भी हैं बच्चों के झूलने के, तो बस वहीं जाएंगे आगे। और पहले आगे की साइड ही यहाँ पर ही खाने पीने के काउंटर्स थे, आगे की साइड में ही थे, पर इस बार मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ ना, तो पहले मुझे लगा बंद हो गए हैं शायद, पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पीछे की साइड में अब ये खाने पीने का सारा अरेंजमेंट हो गया, यहाँ पर मतलब खाने पीने की सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो बस एक बार देख लेते हैं, कहीं पर भी जाओ तो कुछ खाओ ना, तब तक तो मज़ा नहीं आता है। तो बस मैं कानू से पूछ रही थी तुझे क्या खाना है। हमारे हम लोग सोच रहे हैं पहले कुछ खाने से पहले थोड़ा सा बच्चे झूल लें, मम्मी भी झूल रही हैं। अरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ये देखिए भाई बैठी है झूले में, अरे मिस्टी इतना सा कानू है, कानू झूल रहा है। क्या भैया कैसे कैसे झूल रहा है बेगू? देखो किस पे झूल, उस पे झूल जाता है ऐसे, जा पिसर पे टीप जाए। वाह यार, हाय कर दो। अरे भैया फिसल पट्टी पे झूलते हुए चलिए घुमाओ इनको, घुमाओ। अरे उल्टा नहीं, ऐसे घुमाओ ना, सीधा है ये, उल्टे क्यों घुमा रहे हो? घुमाओ घुमाओ सीधा, घुमाओ सीधा, ये हम लोग बैठ गए हैं और वेट कर रहे हैं डोसे का। डोसा ऑर्डर कराया हम लोगों ने और पपड़ी चाट, अब देखते हैं कितनी देर में आता है। और देखिए चालू करो बेचारा, मम्मी कह रही बनाना चालू करा है, अभी देखते हैं कितनी देर में आता। हमारा प्रभु खाना खाना कर रहा है, खाना खाएगा अभी आ रहा है। डोसा लाते हुए ये हमारा गर्मा गर्म डोसा आ गया है, ये यम्मी यम्मी। तो डोसा और पापड़ी चाट खाने के बाद यहाँ पर ना ये अच्छी सी शॉप भी काफ़ी लगी हुई है अक्षय पात्र में अंदर ही है। कभी भी आप अक्षय पात्र आएँ तो ये चीज़ें ज़रूर खरीद के लाएँ वहाँ से। यहाँ का क्रीम रोल बड़ा फेमस है, तो मैं क्रीम रोल ले रही थी, पर बच्चों को डोनर वगैरह भी खाना था। वैसे तो बच्चों का मन करता है ये सब चीज़ें लेने की, पर हमने डोनर लिया था और क्रीम रोल ले लिया था। इतना मजा करना तो उतना कर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर पर, है ना, चलते हैं भैया घर पर। आपको